नया बाज़ार में इस वक्त मैं मौजूद हूं, और जिस तरीके से अभी दो दिन के अंदर काबली चने में जो है तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, क्या वजह है उसकी, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज से दो तीन रोज़ पहले का जो भाव था वो भी जानेंगे। लेकिन आज 26 तारीख है, 26 तारीख को काबली चने का, जिसको डॉलर चना बोलते हैं, उसका क्या भाव है, उसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। सोनू भाई, ये बताइए, जो काबली चने में जो तेज़ी आई है, पहले कितना था और आज का भाव बताइए, आज 26 तारीख का। अगर हम काबली चना की बात करें, कर्नाटक की काबली, कर्नाटक का भाव आज से दो दिन पहले 104-103 रुपए का भाव था, और इस टाइम पे 108 रुपए का भाव चल रहा है। और उसी की बात करें हम मैक्सिको की, जिसको हम डॉलर काबली बोलते हैं, उसका दो दिन पहले उसका भाव था 132 रुपए, और इस टाइम पे मार्केट में भाव चल रहा है उसका 138 रुपए का भाव चल रहा है। ये तेज़ी का कारण मेरे को शायद ऐसे लग रहा है कि जो बारिश काफ़ी तेज़ आ रही है ना, इसकी वजह से फसल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इसी वजह से काबली में तेज़ी आई है। काला चना की बात करें तो हम काला चना में भी सेम वही पोजीशन है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, फिर भी 50-100 रुपए की काला चना में तेज़ी आई है। जैसे चना दाल का भाव पहले 8050 8.5 का भाव था, इस टाइम पर उसका भाव है 8.5 8.82, 100 रुपये चना दाल में भी बढ़े हैं, 100 काले चने में बढ़े हैं, पर ज़्यादा तेज़ी आई है काबुली चना में, जिसमें 500-600 रुपये तेज़ होया काबुली चना। क्या लग रहा है कि मतलब ये बरसात की वजह से, बाढ़ वगैरह? जी जी बिल्कुल, ये बरसात की वजह से ही है, इसीलिए ये तेज़ हुआ है, फसल काफ़ी नुकसान है, रोज़ रोज़ बारिश हो रही है और ज़्यादा ही बारिश हो रही है। एमपी में तो बुरा हाल है बारिश का, वहाँ काफ़ी तेज़ बारिश है, इसलिए फसल लगभग ख़राब है। क्या लग रहा है अभी ये तेज़ी बनी रहेगी क्या? जी देखने को तो यही लग रहा है, अभी दो तीन दिन से तो तेज़ी बनी हुई है, आगे भी जैसे मार्केट में ग्राहक आएगा तो मार्केट तेज़ ही रहेगी। अगर ग्राहक एकदम गायब हो गया, ग्राहक नहीं आए, तो मार्केट 50-100 मंदा भी हो सकता है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, बारिश है, बारिश के कारण जो है कई राज्यों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, तो एक वजह इसकी ख़ास तौर पर यही मानी जा रही है कि काबली चना जो है वो इस वक्त तेज़ी में है, और आगे आने वाले कुछ दिनों में जो है बताया जा रहा है कि इसकी तेज़ी बनी रहेगी। दिल्ली से मार्केट टाइम्स टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।